हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं गाइस रियलमी के C33 डिवाइस के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक करने लगा गाइस क्या अपने फ़ोन में गाइस कॉन्टेक्ट में एंड डायल पेड में कैसे डार्क थीम को कन्वर्ट करेंगे, मैं गाइस आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। अगर गाइस आप अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट में एंड गाइस डायल पेड में जो है गाइस अगर डार्क थीम लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे। तो चलिए, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सिंपली गाइस आप सबसे पहले अपने फ़ोन के डायल पैड को ओपन करेंगे, कॉलिंग को, देन आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाती है। आप इस पर क्लिक करेंगे गाइस सेटिंग पर, देन आपको नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले ऑप्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको गाइज यहाँ पे देखिए आपको चूज थीम का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे अभी लाइट का ऑप्शन मिलता है डार्क थीम सिस्टम डिफॉल्ट का। अपन गाइज इसमें जैसे डार्क थीम पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो डायल पैड था गाइज, देन आपके फ़ोन के जो कॉन्टेक्ट थे वो गाइज सभी जो है डार्क में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से देखिए। देन आपका जो डायल पैड था गाइज वो भी डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी गाइज आपको कहीं भी अब डार्क थीम देखने को नहीं मिलेगी। अभी अगर ऐप्स को इनेबल करते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं भी गाइज डार्क थीम देखने को नहीं मिलेगी। सिंपली गाइज आपके फ़ोन के डायल पैड में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली गाइज अगर आप अपने फ़ोन के डायल पैड में एंड गाइज कॉलिंग में अगर आपको डार्क थीम को इनेबल करना है तो आप उसको गाइज इस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको लाइट चाहिए लाइट में आ चुका है, अगर आपको सिस्टम डिफॉल्ट में चाहिए तो आप उसको यहाँ से सिस्टम डिफॉल्ट में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइज आप उसको यहाँ से लाइट एंड डार्क थीम में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं मिलता हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय।